10 बज चुके हैं, 10 कदम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। कहा जाता है कि दिल्ली में सत्ता की धुरी यूपी की सियासत के इर्द गिर्द ही घूमती है, और इसलिए जहां बीजेपी की नजर रहती है वहां कोशिश है कि 2024 में कांटे की टक्कर देने के लिए उत्तर प्रदेश को साध लिया जाए, और इसके लिए अलग अलग रणनीति बनाई जा रही है। कोशिश की जा रही है कि 2019 से बेहतर प्रदर्शन किया जाए, और इसके लिए कल दिल्ली में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर एक अहम बैठक भी हुई, लेकिन इसमें कोई बात नहीं बन सकी। वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की कोशिश है कि यूपी में मायावती को भी साथ लाया जाए। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी का भी साथ चाहती है। कांग्रेस के नेता इंडिया गठबंधन की कवायद की शुरुआत से ही कहते रहे हैं कि मायावती की पार्टी के लिए हमारे दरवाजे अंतिम समय तक खुले हुए हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल दलों को भी एहसास है कि बीजेपी को टक्कर देने के लिए सभी दलों को साथ आना पड़ेगा, और इसलिए कल विधायक के साथ बैठक में अखिलेश यादव ने कहा था कि गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने के लिए सभी को पूरी ताकत से लगना होगा। उन्होंने कहा कि बड़ी लड़ाई के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, लेकिन इन सभी कवायद के बीच सवाल ये है कि जिस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अलग अलग राहों पर चल रही हैं, क्या वो सभी बातों को भुलाकर एक टेबल पर आकर बैठेंगी? तो 2019 का चुनाव समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन अब नजरें दोनों ही पार्टी पर खास तौर पर टिकी हुई हैं, क्योंकि सीट शेयरिंग पर अभी तक बात नहीं बन पाई है, और इसी वजह से जो बैठक हुई उसमें कोई नतीजा नहीं निकल पाया। 12 तारीख की जो बैठक होनी है उस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। नजर बीएसपी पर भी टिकी हुई है कि उसका आगे का स्टैंड क्या रहता है, क्या वो इंडिया गठबंधन में शामिल होती है या फिर नहीं, या जिस तरीके के संकेत मायावती ने कुछ वक्त पहले दिए कि उनकी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी, क्या अकेले राह पर ही जाकर बीएसपी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी को हराना है तो सभी पार्टियों को साथ आना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं चेहरे की लड़ाई जो है वो इंडिया गठबंधन में भी नजर आ रही है, और इसी वजह से पेज फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारियां भी दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले 2019 का जो चुनाव है वो बुआ बबुआ की जोड़ी ने मिलकर साथ लड़ा था और चुनाव में हार मिल गई थी, जिसके बाद गठबंधन टूट गया था, लेकिन अब अखिलेश यादव बातों बातों में जिस तरीके की चीजें कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि कई बार बड़ी लड़ाई के लिए कुर्बानियां भी देनी पड़ती है, तो क्या उनके संकेत कुछ और हैं भविष्य के लिए, इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। प्रशांत उमराव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ राज शमी शर्मा जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ विवेक पांडे जी मौजूद हैं, और गौरव रघुवंशी हमारे साथ बीएसपी नेता जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन सबसे पहले चर्चा की शुरुआत गौरव रघुवंशी जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी, बीएसपी का स्टैंड क्या है, क्या आप लोग इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे या फिर नहीं? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। विवेक पांडे जी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि बड़ी लड़ाई के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है, तो भाई साथ ले लीजिए ना बीएसपी का। नहीं दिव्या जी, आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है, और मैं आपके मंच के उपस्थित सभी पैनलिस्टों को भी अपना प्रणाम समर्पित करता हूं, और अभिव्यक्ति के साथ अपनी बातों को अनुमोदन के साथ रखने की अभिव्यक्ति चाहूंगा। देखिए, अखिलेश यादव जी ने बड़ी शिष्टाचार के साथ कल ये स्थिति स्पष्ट कर दिया। मुझे लगता है इसके बाद हमारी तरफ से कोई किसी भी तरह की गुंजाइश की संभावना नहीं है, हमने ये स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मायावती जी उम्र में उनसे बड़ी है, सभी को उनका सम्मान करना चाहिए, कोई भी अनर्गल टिप्पणी करने से बचना है, तो हमने एक शिष्टाचार और एक मर्यादा की, राजनीतिक शिष्टाचार की जो लकीर है वो हमने खींच दी है। अब उसमें क्योंकि बसपा को ये निर्णय लेना है कि वो गठबंधन का हिस्सा बनना चाहती है या नहीं बनना चाहती, अगर बसपा बनती है तो उसका स्वागत है, अगर बसपा नहीं बनती है हम एक बार ये मान भी लें तो मुझे लगता है कि ये बसपा का स्वतः निर्णय है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनके लिए रेड कार्पेट बिछा दिया है। इंटरप्ट कर रही हूँ सर, सॉरी, लेकिन मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि आपकी लड़ाई लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी के साथ है या बीजेपी के साथ है? अगर समान विचारधारा वाली पार्टियां हैं तो सभी को साथ तो आना होगा ना, और उसके लिए कोशिशें भी करनी होंगी। भाई, इंडिया गठबंधन का उद्देश्य ही है समान विचारधारा के साथ भाजपा को मनमानेपन से हटाना, उसकी जड़ों को उखाड़ फेंकना। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि आज बसपा जिन लोगों की राजनीति करती है वो भी पीड़ित है,
एनसीआरबी के आंकड़ों ने इस तथ्य को भी स्पष्ट कर दिया है। ये मायावती जी को तय करना है कि वो इस गठबंधन का हिस्सा बन करके अपने अस्तित्व को मजबूत करती है या गठबंधन से बाहर रह करके वो स्वतः चुनाव लड़ती है, ये उनका निर्णय है। विवेक जी, आपने जो सवाल किया उसका जवाब मैं गौरव जी जैसे ही जुड़ेंगे उनसे लूंगी, लेकिन प्रशांत उमराव जी अब मैं आपके पास आती हूँ, क्योंकि आपको नहीं लगता कि चेहरे की लड़ाई इस वक्त इंडिया गठबंधन में नजर आ रही है और मुकाबला काफी टफ हो जाएगा 2024 के लिए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस में जो लड़ाई है उनकी आपस में लड़ाई है कि कौन इंडिया अलायंस का संयोजक बनेगा, कौन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनेगा। वो लोग तो जीतने के लिए लड़ भी नहीं रहे। और अभी हमारे साथी बसपा के अस्तित्व की बात कर रहे थे, मैं उनको आंकड़े बता दूं। पिछली बार भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी मिलकर के चुनाव लड़े थे लगभग 12 बराबर सीटों पर। उस समय भी बहुजन समाजवादी पार्टी का 19.4% वोट था, समाजवादी पार्टी का 18.1% वोट था। तो ऐसी बात नहीं कि ये हर जगह, चूंकि ये लोग अपर हैंड दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि बसपा का कोई आधार नहीं है। और कांग्रेस इस बात को समझ रही है, कांग्रेस को पता है कि बहुजन समाजवादी पार्टी उनके लिए अधिक फायदेमंद होगी बसपा समाजवादी पार्टी के मुकाबले। इसलिए कहीं ना कहीं एक उनको थोड़ा सा खतरा अखिलेश जी को महसूस हो रहा है, उनको इनसिक्योरिटी है कि कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस जो है बहुजन समाजवादी पार्टी को अपने साथ अलायंस में ले ले। तो इसलिए ये दोनों तरफ से इसलिए वाक युद्ध चल रहा है। और जहां तक अनुसूचित वर्ग पर अत्याचार की बात हो, तो मायावती जी ने कल ही परसों उन्होंने ट्वीट किया भी है किस तरीके से हुआ, चाहे गेस्ट हाउस कांड की बात हो या 2012 में इनकी सरकार बनने के बाद पूर्वांचल में कई अनुसूचित वर्ग के गांव को उन पे हमले करने की, आग लगाने की बात रही हो, प्रमोशन में आरक्षण का विरोध करने की बात हो, ऐसे बहुत सारे मामले हैं। जो अम्बेडकर जी के नाम का पार्क था उसको उन्होंने जनरल मिश्रा जी के नाम पे कर दिया, जो बहुजन जो नायकों के नाम पे जिले बनाए थे मायावती जी ने, उनका नाम अखिलेश जी ने परिवर्तित कर दिया। और आज जब ये लोग सत्ता से बाहर हो गए हैं, तो इनके लिए अनुसूचित वर्ग के लिए घड़ियाली आंसू बाहर हैं, जनता वो सब चीज समझती है और मायावती जी गाये बगाये उन सारी बातों को बोलती भी रहती है। ठीक है प्रशांत जी, क्योंकि आपने कांग्रेस का भी जिक्र कर दिया, राज शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज शर्मा जी, क्या आप लोगों की बातचीत बीएसपी के साथ चल रही है क्या? अखिलेश यादव कह रहा है कि बातचीत हो रही है आप लोगों की, तो क्लियर कर दीजिए ना, सामने आ जाइए कि भाई गठबंधन करेंगे हम बीएसपी के साथ। हाँ, मैं क्लियर कर देता हूँ। पहले मैं क्लियर करने से पहले दो बात भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता कह रहे थे, मैं इनको दो बातें बता दूं। ये ज्ञान का चोला पहन के जो अज्ञानता की बातें करते हैं, इन्हें नहीं करनी चाहिए। और न्यायपूर्ण सरकार बनने के बाद अन्याय करते हैं, ये भी नहीं करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी हमारे इंडिया गठबंधन की चिंता छोड़ दे, ये चिंता अपनी करें कि महाराष्ट्र में क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया को कितनी देंगे और राजभर साहब को कितनी सीट देंगे। अरे सर, वो जितनी भी देंगे ना वो उनको छोड़ दीजिए ना, आप अपना बताइए ना, इन पे भी होना चाहिए। कांग्रेस कहाँ है? हमारा तो चल रहा है ना, कांग्रेस कहाँ है? जमीन खिसक गई है सर। कांग्रेस नहीं, ये आपके साथ कोई आना नहीं चाहता है? नहीं, कौन नहीं आना चाहता बताइए? राष्ट्र की पार्टी है, एक बात सुन लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी का एक भी आपके खुद के नेता सर इतने सारे पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, मूल सिद्धांतों से भटक गई है पार्टी, इस तरीके के आरोप लगते हैं और आप ये कह रहे हैं? ये आरोप आप बताइए ना, बीएसपी का साथ लेंगे या नहीं लेंगे? मेक इट क्लियर। ना दिव्या जी, मेक इट क्लियर, ये आरोप आप लोग मीडिया लगा रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी लगा रही है? सर हम क्यों लगा रहे हैं, आपके खुद के नेता कहते हैं ना, मीडिया कौन होता है कहने वाला बताइए? नहीं, कोई नहीं कह रहा, कोई नहीं कह रहा, हम मूल सिद्धांतों पे चल रहे हैं। हमारी पार्टी किसी भी चीज से जो देश के लिए आहित हो उससे कंप्रोमाइज नहीं करेगी। और हमारा गठबंधन बहुत अच्छा गठबंधन है, महत्वपूर्ण लोग हैं उसमें। हमारा गठबंधन कोई एनडीए की तरह नहीं है कि जिसमें किसी को बोलने का अधिकार नहीं। हमारे यहाँ सब अच्छे हैं और हमारी सीट शेयरिंग की चिंता मैं तो आप लोगों से भी कहता हूं और भारतीय जनता पार्टी से भी कहता हूं कि एक बार अपने जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें तो पत्थर की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी शीशा यार, और ये शीशा जब टूटेगा ना तो दिव्या मैडम इसके टुकड़े इनसे उठाई नहीं बनेंगे। राजशर्मा जी, गुरु की तरह बिखर जाएंगे। मैंने इतने सारे सवाल आपसे किए, आपने बार बार जवाब आप बीजेपी को ही दे रहे हैं, आपने ये नहीं बताया कि बीएसपी से आपकी बातचीत हो रही है नहीं हो रही है? हमारी बात तो सबसे हो रही है, हम तो अखिलेश जी से भी बात करते हैं, हमारे नेता सबसे ही बात हो रही है। हमारा तो मकसद ये है कि देश को बचाने के लिए सरकार को एकदम ही फेंक देना है। अभी पांडे जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि अभी अखिलेश जी ने शिष्टाचारी का परिचय दिया, तो आप उनकी भी तो थोड़ी तारीफ कर दीजिए। मतलब सारी चीजें मीडिया से लेके भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन पे पड़ रहा है, थोड़ा भारतीय जनता पार्टी सवाल तो देखिए कायदे से ही होने। ठीक है राज शर्मा जी, वापस आती हूँ आपके पास। गौरव